से गुजराती, मन से मुंबई कर, और धन से तो पूछो ही मत। वैसे आईपीएल के अभी तक पैसे आए नहीं है और आप लोग बोलते हो कि आईपीएल में बहुत पैसा है। मुंबई का टैगलाइन है मुंबई मेरी जान। मतलब अभी आजकल इतना ट्रैफिक हो चुका है मुंबई में, कैसा लगता है कि मुंबई मेरी जान लेकर ही मानेगा। और देखो गुजरात के प्लेयर्स की मैं बात करूंगा, चाहे जितना भी पार्टी कर ले, नेक्स्ट डे बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। मतलब समझ लो उनकी फील्डिंग टाइट है, बॉलिंग टाइट है, बैटिंग टाइट है, वो लोग ही टाइट नहीं है, क्योंकि छास पी के इंसान क्या ही टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको आईपीएल की कहानी सुना दी, अपनी कहानी भी सुना दी और मेरा कंफ्यूजन भी बता दिया। लेकिन हमारे पास स्टूडियो में आज कोई आ रहा है, मुंबई की भी पार्टी आ रही है और गुजरात की भी पार्टी आ रही है, तो वेलकम करते हैं चारों को। और मैं शायद मेरी हेल्प हो जाए इस कंफ्यूजन दूर करने में कि मुंबई या गुजरात, तो प्लीज वेलकम। हमारे साथ यहाँ पे गुजरात के दिग्गज और गुजरात के बहुत ही बढ़िया फैंस, और साथ ही में इतना मुंबई है यहाँ पे, इसके ज्यादा मुंबई यहाँ पे देखने भी नहीं मिलेगा। और दोनों मुंबई के बहुत बड़े फैंस और मुंबई की शान। और मैं सवाल शुरू करूंगा सर से कि सर आप अब भी क्रिकेट खेलते हो? हाँ मैं खेलता हूँ। खेलते हो? खेलता हूँ। और मतलब कितना ऑफ्टन? बहुत ज्यादा नहीं, आजकल क्रिकेट भी खेलता हूँ और बैडमिंटन भी खेलता हूँ, दोनों खेलता हूँ। आप ऑलराउंडर हो तो हमें पता ही है, बट हमें ऐसा लगता है कि आपका शायद हमें यहाँ भी डेब्यू देखने मिल जाए क्रिकेट में भी। आपकी एज के हिसाब से मुझे लगता है आपका आईपीएल में नहीं मिलेगा, बट अंडर 19 वगैरह नहीं मिलेगा भैया, अंडर 19 में शायद मिलेगा। अंडर 19 आईपीएल में पॉसिबल है? आईपीएल में तो पॉसिबल है। नहीं कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो आदित्य आपकी नाइट, आप तो नाइट मैनेजर हो जी, लेकिन आपकी नाइट कौन मैनेज कर रहा है? अरे एक्चुअली फिलहाल तो आपकी नाइट कौन मैनेज? नहीं पूछ सकते, आई से उसका नाम शुरू आईपीएल। आप तो मेरे मुझे थोड़ा परेशान करो, लेकिन इरफान भाई मेरा दर्द आज का समझ सकते हैं। मैं हूँ गुजरात से और रहता मुंबई में हूँ, तो मेरे लिए आज का मैच इतना डिफिकल्ट है टू सपोर्ट। टुकड़े हो जाते भाई, तुम्हारे को पता है, तुम फील कर सकते हो क्या? लेकिन आप क्या लग रहा है, गुजरात को सपोर्ट करने में पूरा ही दिल लग रहा है या कहीं ना कहीं हल्का सा? नहीं, हल्का हल्का दिल जाता है मुंबई की तरफ जाता है यार, क्योंकि यहाँ से तो रोजी रोटी मिलती है यार। मुंबई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई भी आदमी आता है खो जाता है, यहीं का हो जाता है। तो मतलब मुंबई को भी हीरो की परख है? बिल्कुल है, सबसे अमीर आदमी कहाँ से? बिल्कुल गुजराती आदमी रहता है, बिल्कुल मुंबई में रहता है। और सर आपसे पूछना चाहूंगा, आप अगर क्रिकेट नहीं खेल रहे हो हाँ जी, और एक्टर होते तो आप किसकी बायोपिक करते हैं? मतलब बायोपिक आप किसकी करना चाहते हैं? देवानंद, देव साहब की। देवानंद थोड़ा सा है, देव साहब चेहरा एक एक, और एक एक हो जाए, देव साहब, देव साहब की एक हो जाए। अरे बाप रे, थोड़ा आप एक सीन क्यों कुछ आपको नकल करते हैं, आप कुछ बताइए कैसे? कुछ तो डायलॉग वायलॉग मैं मार दूंगा आपका, बस कॉपी करता हूँ, कॉपी में तो आगे अनिल कपूर प्रोडक्शन मानता हूँ। तेरी पसंद को भागर मस्का एकदम चका। अरे ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। ये देव साहब का स्टैंड बोला, जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम। बट आप डायलॉग मत बोलो, बट अगर आप क्रिकेट में देवानंद अगर अपील करते बॉलिंग डाल, बॉलर हूँ बॉलिंग डाल के, आप एक बॉलिंग करते हुए अपील मांग लो अंपायर से, कोशिश करना बिल्कुल। वैसे एक्शन भी आपकी देवानंद बिलीव ऑर्डर भी ऐसे हो गया। तो ये राइवलरी जो है वो मोहब्बत में बदलती हुई मुझे दिख रही है, तो आप थोड़े वापस वो राइवलरी को मुझे वापस लाना पड़ेगा, ये दोस्ती प्यार मोहब्बत को ब्रेक करना पड़ेगा, सीरियस बनना। तो हम एक गेम खेलने वाले हैं, तो जैसे ही आप नाइट मैनेजर हो तो आपको गेस करना है कि हू इज द गेस्ट, ठीक है? तो ये गेम है, आपके सामने कुछ फोटोज आएंगे जो आपको बताने हैं कि आप कौन है वो। चलो तो हम पहला क्लू बुलाते हैं, ठीक है? स्टार्ट। इरफान भाई ने पहले ताली बजाई है, तो डेफिनेटली इरफान भाई इतना जल्दी एक तो ये है, एक तो एक तो ओके ओके
एक तो ये पहला है इनको, रोहित शर्मा भी है और रोहित शर्मा, ये दो लोग है ना बाबा, ओके दो लोग है गुजरात यहाँ पे नीट कर रहे हैं। अनिल साहब आप अपने आप को नहीं पहचाने, इनकी मैं आंखें देख रहा स्माइल है दोनों की सेम कैसे 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 दिखाई नहीं तो चलो दूसरा क्यों ओके सिंह। हाँ जी सूर्या, एक मिनट मैंने दो लोग पहचान रहे सूर्या और दूसरे वो साहब खड़े ना वही लग रहे हैं मुझे। रॉय साहब, रॉय साहब लग रहे हैं मुझे। लोअर ऑफ कौन है? मैं आपको चेंज करना है क्या? आपको आंसर चेंज करना है? एक तो सूर्या है, वो तो सबको पता है। एक सूर्या और दूसरा आदित्य रॉय कपूर ही है। अच्छा ठीक है, बॉलीवुड okay, देख, 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 ये पता है दूसरा दूसरे में तीन लोगों को लग रहा है आदित्य रॉय कपूर है और आदित्य रॉय कपूर को ही नहीं लग रहा है वो है। मैं बताऊं एक हिंट दूं दूसरा कौन है मेरे को आप समझ में आया हिंट दूं? हाँ ओ ऋतिक रोशन, ऋतिक ऋतिक आई थिंक यू राइट। चलिए आंसर दिखा दीजिए। हाँ यार, तो देखो ये भी गुजरात को जा चुका है तो प्लीज थोड़ा इस बार क्विक रहना है, ताली इधर ही रखना है, जीतने वाले हम लोग। ठीक है बताओ लीजिए। विराट, क्या बात है ये, विराट विराट एंड रणवीर सिंह। हाँ रणवीर सिंह पता चल रहा है। लेट्स सी इतना अरे वाह सर, इसके लिए तालियां बनती है। ठीक है तो अगला ये आपके सामने दोनों ओके ताली ओके 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 पहले पहले मैं ये हार्दिक पांड्या और वापस फोटो दिखाना, वापस ताली पहले मार दी फोटो बाद में मांग। नहीं नहीं उनको हार्दिक पांड्या एंड आईना देखा है 15 सेकंड आपके पास, 15 सेकंड में पास हो जाएगा है। आईना देखा है, दूसरा है सीना, हार्दिक पांड्या बोल रहा है बोलो, और रॉय साहब, ये रॉय साहब लग रहे हैं, अमित साहब रॉय साहब लग रहे हैं, ये तो पक्का रॉय साहब। ओके चलो देखते आदित्य और रॉय कपूर साहब लग रही है, दिखाओ दिखाओ भाई देखते दिखाओ दिखाओ। हाँ यार इरफान खुद को नहीं पहचाना, मुझे वही डायलॉग याद आ रहा है। मुंबई के पास और एक मौका है, इस बार देखते हैं क्या कर पाते मुंबई, तो जल्दी से लीजिए ये वाला, उसके लिए मुश्किल है। ओके शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, शुभमन गिल, आर्यन कार्तिक आर्यन आई थिंक। ठीक है ओके दैट्स माय थिंग, और एक बार यू माइट तो ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला था, कांटे की टक्कर हुई और गुजरात ने जीत तो लिया है, लेकिन आज राइवलरी वीक का एक जबरदस्त मैच है, मिस मत कीजिएगा। और सर कांग्रेचुलेशन फॉर नाइट मैनेजर और आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड फॉर द गेम। तो राइवलरी गेम्स के राउंड की एक फाइनल झलक देखते हैं और मिलते हैं स्टेडियम पे।